की कमी होना, अन्न की कमी होने का मतलब है भूखे मरना, यानी जब अन्न नहीं होगा पृथ्वी पर सब नष्ट हो जाएगी, फसल परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा, जब खेती बाड़ी नहीं होगी, अन्न होगा नहीं तो क्या करेंगे इंसान, भूखे मर जाएंगे। और जब ऐसी स्थिति परिस्थितियां आएंगी तो इंसान क्या करेगा, कहां से खाना खाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह, प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से 4 खंड के विषय में, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरहियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 8:1-5 पद तक के विषय में सीखा था, अर्थात 7वीं मोहर और सोने के धूपदान के विषय में सीखा था। आज हम सीखेंगे 7 सरदूत जो तुरही फूकने पर हैं, उनमें पहले सरदूत ने जो तुरही फूकी तो इस पृथ्वी पर कौन सी विपत्ति आई। ये पद जो है प्रकाशित वाक्य 8 उसका 6 और 7 पद जो है वह हम पढ़ेंगे। यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, तब वे 7 सरदूत जिनके पास 7 तुरियां थी उन्हें फूकने को तैयार हुए। पहले सरदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। अब यहां ध्यान देने की बात है, यहां ध्यान देने की सबसे पहली बात क्या है कि पहले सरदूत ने जब तुरही फूकता है, 7 सरदूत हैं, 7 खड़े हुए हैं तुरही फूकने पर, उनमें से पहले सरदूत ने जब तुरही फूकी तो पृथ्वी पर क्या हुआ, लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास जो है वो 1/3 जल गई। अब जरा इस भेद को समझिएगा कि इनकी सबकी 1/3 क्यों जल गई। मगर पहला पॉइंट जो हम समझेंगे वह है लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, पृथ्वी की 1/3 जो है उससे जल गई। यहां पर ओले और आग उत्पन्न होने की बात है। अब देखिए ओलों के साथ आग भी उत्पन्न हो रही, देखिए कितना अद्भुत काम जो है यहां पर हो रहा है। मगर उन ओलों के अंदर आग भी है, लहू भी मिला हुआ है जो इस पृथ्वी पर डाला गया। अब ये किन चीजों को प्रकट करता है, जरा जब हम इन बातों को पढ़ते हैं कि ये जो चीजें हैं इनके द्वारा जो है फसल और हरियाली नष्ट हो गई, यानी ओलों के द्वारा जो है फसल और जो हरियाली है वो नष्ट हो गई। इसका नष्ट होने का वर्णन जो है परमेश्वर का वचन दिखाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा लहू से मिले हुए ओले और आग जो है पहले भी पृथ्वी पर गिर चुके हैं। हाँ, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे कि पहले भी पृथ्वी पर गिर चुके हैं, जब परमेश्वर के लोग जो इसराइली लोग थे जब मिस्र के अंदर थे और परमेश्वर उनको मिस्र की गुलामी में से छुड़ाना चाहता था, निकालना चाहता था, और फिरौन जो था वो उन्हें जाने नहीं दे रहा था, तब परमेश्वर ने जो है वहां पर ओलों की बरसात करी थी। मैं पढ़ देना चाहता हूं, यहां लिखा हुआ है निर्गमन 9:23-25 तक, तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ्य से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी तक आती रही और इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। ध्यान दीजिएगा, जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी ना गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई, मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। यहां पर क्या है, यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, अब मिस्र के अंदर जो ओले गिरे थे बहुत भारी ओले थे, उनके साथ आग उत्पन्न होती थी। कितना अद्भुत, भाई ओलों के साथ बर्फ, यानी बर्फ के साथ आग, ये तो असंभव वाली बात है, मगर परमेश्वर ने मिस्र के अंदर डाले। मगर वहां मिस्र के अंदर एक घटना जो है एक्स्ट्रा घटित हो रही है, वो क्या घटित हो रही है कि उनके साथ जो पशु थे और जो मनुष्य थे वो भी मारे गए। खेती तो नष्ट हुई, हरियाली भी नष्ट हुई है, हरियाली और खेती दोनों नष्ट हुई हैं, परंतु उनके साथ साथ पशु और मनुष्य भी मारे गए। परंतु यहां पर कहीं ऐसा वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में नहीं है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यह दिया गया है कि
एक तिहाई पृथ्वी की एक तिहाई नष्ट हो गई, और पृथ्वी पर जो पेड़ थे वो एक तिहाई नष्ट हो गए, और पृथ्वी की खेती जो थी वो एक तिहाई जो है वो नष्ट हो गई है। यहां पर जो दिया गया है ये सारी चीजें परमेश्वर का वचन कहता है वो एक तिहाई। अब यहां पर जो है खेती का नष्ट हो जाना यानी भूख के मरना, यानी अन्न की कमी होना, अन्न की कमी होने का मतलब है भूखे मरना, यानी जब अन्न नहीं होगा पृथ्वी पर सब नष्ट हो जाएगी फसल, परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। जब खेती बाड़ी नहीं होगी, अन्न होगा नहीं, तो क्या करेंगे इंसान, भूखे मर जाएंगे। और जब ऐसी स्थिति परिस्थितियां आएंगी तो इंसान क्या करेगा, कहां से खाना खाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है विलाप गीत 4 अध्याय उसका 10वां पद पढ़िएगा। यहां लिखा है दयालु स्त्रियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया, मेरे लोगों के विनाश के समय वे ही उनका आहार बन गए। अब आप देखिए यहां क्या लिखा, यानी दयालु स्त्री, उन्होंने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया। ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऐसी भयंकर स्थिति आ जाएगी, लोग एक दूसरे को मारकर उनका मांस खाएंगे, इतनी कमी क्या कहते हैं अनाज की हो जाएगी, खाने पीने की कमियां जो है इतनी हो जाएंगी, लोग अपने ही परिवार के लोगों को मारकर उनका मांस खाएंगे। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, मैं रेफरेंस दे रहा हूं, आप घर में पढ़ लीजिएगा। व्यवस्था विवरण 28:53-57 तक, एजेकल 5:10, दूसरा राजा 6:24-29 तक। दूसरा राजा 6:24-29 तक पढ़ेंगे तो वहां महंगाई के बारे में है कि कैसी भयंकर महंगाई थी और लोग क्या खाने लगे थे। जरा ध्यान दीजिए ऐसी स्थिति जो वो आने वाली है। पेड़ की एक तिहाई जल जाने का मतलब क्या है, पेड़ की एक तिहाई जल जाने का मतलब क्या है कि वातावरण दूषित हो जाना, ऑक्सीजन का खत्म हो जाना, क्योंकि हमें पेड़ों से क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। आज जंगल के जंगल काट गए, यानी ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई। और ऑक्सीजन के बारे में यदि आप जानेंगे ना, जब भी अभी आपने कोविड में देखा होगा जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे उनकी कैसी अफरा तफरी मची हुई थी, लोग उसको पाने के लिए जाने कितने कितने पैसे देने को तैयार थे परंतु नहीं मिला। अब वो सिलेंडर को तो भूल जाइए, वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिलेगी, यानी जो है ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, वातावरण दूषित हो जाएगा, वातावरण जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, रहने लायक जो है वो नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति। और यहां घास की एक तिहाई का मतलब क्या है, घास की एक तिहाई का मतलब होना है कि जो चारा जानवरों का जो चारा है वो तक समाप्त हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उनके लिए भी खाने को कुछ नहीं रहेगा, ऐसी स्थितियां जो है वो हो जाएंगी। और क्या कहता है, देखिए एजेकल की भविष्यवाणी क्या है, एजेकल 38:22, मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा, और उस पर और उसके दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होंगी मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। एजेकल भी क्या कहता है, यानी सब जातियों पर परमेश्वर कह रहा है ओले बरसाऊंगा, उसमें आग भी गिरेगी उसके साथ में, मगर वो ओले आग को बुझा नहीं पाएंगे, और वो गंधक कह रहा है बरसाऊंगा। गंधक का मतलब क्या है, आग को और भड़काना, आग को और तेज करना, आग को जलाए रखना, ये गंधक का काम होता है, बुझने नहीं देगा, ऐसी भयंकर स्थितियां परिस्थितियां आने वाली है। ये जो पहले सरदूत ने जो तुर्री फूकी है और जो विपत्ति इस पृथ्वी पर आई है, ओले खून से सने हुए, यानी सड़ांध भी जो है पूरी पृथ्वी के ऊपर सड़ांध भर जाएगी, लोगों का रहना दुश्वर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, और ओलों से फसलें नष्ट हो जाएंगी, आग जो है वो सब कुछ जला के रख देगी, और सब जो है वो खत्म जो है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सब परमेश्वर खत्म कर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि किस तरीके से परमेश्वर कह रहा है कि ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। पहले सरदूत, अभी तो ये पहले सरदूत की बात है, अभी तो ये एक ही विपत्ति की बात हो रही है, अभी तो 6 स्वर्गदूत और हैं, और देखिएगा कि क्या क्या मुसीबतें जो है इस पृथ्वी पर आने वाली। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को बचाएं, परमेश्वर के हाथ में सौंपें ताकि इन मुसीबतों से बच सके, क्योंकि जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी वही इन मुसीबतों से बचेगा, और जिनके माथे पर नहीं होगी वो सब इस चपेट में आएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें।